यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इस प्रिपरेशन में आपके लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, तो इस हिसाब से तो हम बैठ जाएंगे जिंदगी में थक हार करके, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये फिलोसोफर अपने जमाने में जो डेस्टिनी डेस्टिनी की बातें कर रहे हैं, ये जनता को सही रास्ता दिखा पाने में नाकाम कर गए। एक गरीब आदमी को यह एहसास होना चाहिए कि उसकी गरीबी उसके कर्मों की वजह से है। मैं तो 50% भी आ जाता तो नाचने लगता, वाइफ के साथ पंगे हो जा रहे, 10 का मार्कशीट क्या करेगा उसमें, बैंक का पैसा मार के भाग जाओ, लंदन चले जाओ, तीसरी शादी कर लो वहां जाकर के, 12वीं शादी कर लो, 18वां बच्चा पैदा कर लो। ऐसा मैंने नहीं कहा, पैग मारो और मारो, फिर से ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अगर 12th फेल IAS aspirant ये मान के बैठ जाता कि हर चीज नियति के अधीन है, तो वो इतने बड़े पोस्ट पे आज नहीं होते, है कि नहीं। बिल्कुल वैसे ही कई बार हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इस प्रिपरेशन में आपके लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कुछ एस्पायरेंट्स के साथ कि वो मेंस में फेल कर गए, या कभी वो इंटरव्यू से वापस आ जाते हैं, और जब इंटरव्यू से फेल होकर के वापस आते हैं तो फिर से एक बार प्रीलिम्स देना पड़ता है, और अगर हम थक हार के बैठ गए तो जिंदगी में बड़ी बड़ी उपलब्धियां, बड़े बड़े अचीवमेंट्स हम कर ही नहीं पाएंगे। तो दो तरीका होता है जिंदगी को लेने का, एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइंड, और दूसरा होता है कर्मा, कर्म करके भाग्य का लिखा, हाथों का लिखा पलट देंगे, बदल देंगे। तो दो रास्ते मिल रहे हैं ना हमें, एक कर्मा बेस्ड है और दूसरा डेस्टिनी पे। तो अगर आप डेस्टिनी पे चले गए, लोग कहते हैं ना कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो इस हिसाब से तो हम बैठ जाएंगे जिंदगी में थक हार करके, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमें यह सोचना है कि कर्म, कर्म करना है, और कर्म से इन केस अगर आप मान भी लीजिए कि किस्मत में यह लिखा है कि नहीं बनना है IAS ऑफिसर, तो इतना कर्म कर देंगे, इतना कठोर तपस्या कर देंगे, इतनी परिश्रम कर देंगे कि एक दिन बन के दिखा देंगे, नियति का लिखा बदल के रख देंगे। तो ये फिलोसोफर जो ये कह रहे हैं कि सब कुछ नियति के अधीन है, एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइंड एंड प्लेजर एंड पेन कैन नॉट बी ऑल्टर्ड इन द कोर्स ऑफ संसारा, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, करना ही चाहिए, वरना ऐसे तो जिंदगी की गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। तो ये फिलोसोफर अपने जमाने में जो डेस्टिनी डेस्टिनी की बातें कर रहे हैं, ये जनता को सही रास्ता दिखा पाने में नाकाम कर गए। इनके कुछ हजार फॉलोअर्स बने, इनका एक संप्रदाय, एक सेक्ट भी बना, आजीविका सेक्ट, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली इसको, और बाकी के फिलोसोफर्स आए और वो अपने तरीके से कर्मा पे कर्म करो और कर्म के द्वारा अपनी जिंदगी बदल दो, अपनी सोच बदल दो और नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचो, नई नई चीजें हासिल करो, प्राप्त करो। ये है जिंदगी, यही है ना, कई तरीके से हम जिंदगी को ले रहे हैं। तो इन्हीं सारे फिलोसोफर्स को जो उस जमाने में आए ना, तकरीबन 63 या 64 अलग अलग तरीके के अनऑर्थोडॉक्स या हेटरोडॉक्स फिलोसोफर्स आए, लेकिन जो रास्ता सही दिखाएगा वो पॉपुलर हो जाएगा, और जो गड़बड़ कर देगा, मतलब ऑलरेडी लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम हो रखी है, उस पर से आप बता दो डेस्टिनी, तो लोग ऐसी हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे कि चलो मैं गरीब हूं, मेरी किस्मत में ही लिखा है गरीबी, काहे को अब प्रयास करूं। तो ऐसे तो गरीब आदमी हमेशा के लिए गरीब रह जाएगा, फिर वो आगे ही कहां बढ़ेगा, तो वो तो थक हार के बैठ जाएगा। तो हमें ऐसे थोड़ी ना करना है कि लोगों को इतना डिमोरलाइज कर दें कि लोग थक हार के बैठ जाएं, हमें लोगों को इंस्पायर्ड करना है, आगे बढ़ाना है, कि एक गरीब आदमी को यह एहसास होना चाहिए कि उसकी गरीबी उसके कर्मों की वजह से है, उसके सोच की वजह से। गरीबी पावर्टी, पावर्टी के बारे में कहते हैं कि मेंटालिटी है, गरीबी एक मानसिकता है, एक मेंटालिटी है। एक गरीब आदमी यह मान के बैठ जाता है किस्मत में ही है, भगवान ने ही दिया है, चलो काट लेते हैं यह जिंदगी, और दूसरा सोचता है नहीं, किस्मत क्या होता है, कर्म होते हैं,
कर्म करूंगा, जीतोड़ मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा, इवन रिक्शा ही चला करके एक रिक्शा खरीदूंगा, एक रिक्शे से 10 रिक्शा बनाऊंगा, 10 रिक्शे से 50 ऑटो रिक्शा बनाऊंगा, ढेर सारी बस और ट्रक खरीदूंगा, एक दिन बहुत बड़ी कंपनी इस्टैब्लिश कर दूंगा। ये होती है कर्म की ताकत, और यही है पढ़ाई की ताकत। आप जितना मेहनत करेंगे, जितनी पढ़ाई करेंगे, उतनी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। तो कभी भी गिव अप मत करिएगा, कभी भी हथियार मत डालिएगा जिंदगी में। फिलॉसफी पढ़ने पढ़ाने का ये भी एक मुद्दा होता है, एग्जाम अपनी जगह है, जिंदगी को कैसे अप्रोच करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप आईएएस बनना आपका लाइफ नहीं है, लाइफ का एक पार्ट है, एक स्टेज, एक छोटा सा स्टेज है। जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। और 16-17 साल के बच्चे आजकल डीमोरलाइज होकर के फांसी लगा रहे हैं। कितनी तकलीफ होती है, हमें इतनी तकलीफ होती है कि छोटे छोटे 17-18 साल के बच्चे फांसी लगा ले रहे हैं। कितना कितना कुछ उनके दिमाग में चला होगा ना फांसी लगाने से पहले, और वो तो चले गए ना, माँ बाप भाई बहन जो पीछे छूट गए, जिंदगी भर का गम वो अब लेकर के अपने दिल में, अपने मन में अंत में मरेंगे ना, जिंदगी भर का गम हो जाएगा। तो ये बच्चे गिव अप कर दे रहे हैं, इनको समझाना पड़ेगा हमें, इनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इनको मेंटल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी हमें कि गिव अप नहीं करना है। जरा सी प्रॉब्लम आ रही है, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, 10th क्लास के रिजल्ट के बाद बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं भाई, 90% पे सुसाइड कर ले रहा है, 85% पे। मैं तो 50% भी आ जाता तो नाचने लगता कि 50% आ गया यार, बहुत है। कौन सी मार्कशीट जिंदगी में काम आती है? लर्निंग काम आती है ना, मार्कशीट नहीं काम आती है। मार्क्स 10th क्लास में मेरे फिजिक्स में कितने मार्क्स थे मेरे को याद भी नहीं है, साइंस में कितने मार्क्स थे, कुछ थे 59 समथिंग थे, ऐसे ही थे, लेकिन वो अब काम नहीं आया। जिंदगी गृहस्थ जीवन में क्या काम आ रहा है 10th का मार्कशीट? वाइफ के साथ पंगे हो जा रहे, 10th का मार्कशीट क्या करेगा उसमें? वो तो मुझे अप्रोच करना है ना लाइफ को, कि मुझे अपनी गृहस्थी कैसे चलानी है। ये लाइफ को अप्रोच करने का मुद्दा है, ये 10th की मार्कशीट इसमें क्या कर लेगी? तो मार्क्स उतार चढ़ाव आते रहते हैं लाइफ में, उतार चढ़ाव हमेशा आएंगे, कभी भी निराश और हताश होकर के बैठ मत जाइएगा। कर्म ये सब कुछ याद करिएगा और एक नई जोश और एक नए जुनून से फिर से भिड़ जाइएगा। और दूसरे फिलोसोफर आए, इन्होंने भी जिंदगी में सही रास्ता लोगों को नहीं दिखाया। ऑलरेडी देखिए 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में, 5th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ना। सेकंड मोनेटाइजेशन हो रखा है, पंचमात कॉइन्स आ रखे हैं, पैडी कल्टीवेशन बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग यूज ऑफ आयरन लोहे का प्रयोग बढ़ रहा है, रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, लोगों के दिमाग में पागलपन आ रहा है, और पंचमाख इकट्ठा कर लो, और धान इकट्ठा कर लो, और गेहूं इकट्ठा कर लो। लोग भाग रहे हैं रिसोर्सेज के पीछे, लोग मटेरियल थिंग्स के पीछे भाग रहे हैं, तो और ये और भगा रहे हैं, तो ये सही रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। जब समाज में हलचल होती है ना, उथल पुथल होती है, तो लोगों को दिमागी तौर पे शांत करना पड़ता है। वो उस उथल पुथल को बढ़ा देंगे तो लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो ये बाबा जो हैं चार्वाक, या एक्चुअली चार्वाक सिस्टम ऑफ फिलॉसफी है, चार्वाक स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, तो ये कह रहे हैं, इस स्कूल में लोगों को बताया जा रहा है, खाओ पियो मौज करो, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, टोमेटिनो फेस्टिवल देखने जाओ, इस पैराग्लाइडिंग करो, स्कूबा डाइविंग कर लो, बैंक का पैसा मार के भाग जाओ, लंदन चले जाओ, तीसरी शादी कर लो वहां जाकर के, 12वीं शादी कर लो, 18वां बच्चा पैदा कर लो, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो, यवत जीवेत, संस्कृत में लिखा हुआ है, यवत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, लिव वेल एज लॉन्ग एज यू लिव, लिव वेल इवन बाई बोरोइंग मनी, बिकॉज वंस क्रीमेटेड देर इज नो रिटर्न। ऐसा मैंने नहीं कहा, चार्वाक सिस्टम में ऐसा कहा गया। या इनका एक कोटेशन और है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, पता नहीं इनका है कि नहीं है,
बस ये बुद्धिस्ट राइटर्स ऐसा बताते हैं कि इन्होंने ऐसा कहा था, क्योंकि चार्वाक सिस्टम पे ना लिटरेचर नहीं है. सो वॉट एवर वी नो अबाउट द चार्वाक सिस्टम, वी नो ओनली फ्रॉम द बुद्धिस्ट लिटरेचर. तो क्या पता बुद्धिस्ट राइटर्स ने यूं ही लिख दिया हो, इन्होंने कहा ही ना हो, हम ठीक से नहीं जानते हैं. लेकिन इनका एक कोट है, या इस सिस्टम का एक कोट है, पीत्वा पीत्वा च पुनः पीत्वा, पैग मारो और मारो. फिर से, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पीत्वा पीत्वा च पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले, पीपी के गिर जाओ नाली में लोट लो, उठो उत्थाय च पुनः पीत्वा, नाली में से उठ के फिर पियो. क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म न विद्यते, रीबर्थ डजंट अकर्स, रीबर्थ डजंट हैपेंस. तो ये अनऑर्थोडॉक्स फिलोसोफर्स 63-64 तरीके के आए, लेकिन ज्यादातर सही राह, सही रास्ता, जिंदगी को कैसे अप्रोच किए जाए, वो सही रास्ता नहीं दिखा रहे हैं. और जिन्होंने सही रास्ता दिखाया वो रातों रात पॉपुलर हो गए. और उसी में एक थे गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने बोला दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, जिंदगी में दुख है, सबम दुखम, सर्वत्र दुख व्याप्त है, that the world is full of sorrow. और उन्होंने find out किया what causes sorrow, what causes sorrow, उन्होंने बोला desires causes sorrow. हम सब दुखी हैं क्योंकि हमारे पास number of lists of desires हैं, list है पूरी desires की. और वो कह रहे हैं सिद्धार्थ गौतम, desires बढ़ाओ sorrow बढ़ेगा, डिजायर्स बढ़ाते जाओगे सौरव बढ़ता जाएगा, डिजायर्स घटाओ सौरव घटेगा, और घटाओ और घटेगा, खत्म कर दो डिजायर्स, सारा सौरव खत्म हो जाएगा और दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा. क्योंकि डिजायर्स खत्म होते ही सौरव खत्म हो जाएंगी और दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा और हम अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे द स्टेट ऑफ परम आनंद, सच्चिदानंद अवस्था का अनुभव करेंगे, अ स्टेट ऑफ परम आनंद, अ स्टेट ऑफ हाईएस्ट ब्लिस. और बुद्धा ने बोला कि मैंने ये फील किया है परमानंद, और बुद्धा ने इसको एक वर्ड दिया निर्वाण, निर्वाण. और ऐसा ही फीलिंग महावीर को भी हुआ और महावीर ने कैवल्य वर्ड दिया. निर्वाणा और कैवल्य आइडेंटिकल टू मोक्षा, वही है मुक्ति. मुक्ति कैसे मिलेगी? तो निर्वाण कैवल्य मोक्ष, ये मंजिल तक पहुंचना, ये मंजिल तक पहुंचना है मोक्ष, निर्वाण कैवल्य. और मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हर फिलोसोफर का अलग अलग है, डिफरेंट रास्ता है. उपनिषद में 3 रास्ते बताए गए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग. बुद्धा का रास्ता क्या है? मध्यम मार्ग, ना ज्यादा ना कम, केवल अष्टांगिका मार्ग, अष्टांगिका मार्ग. उसमें 8 स्टेजेस है, अभी हम लोग सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे. और महावीर का रास्ता थोड़ा टफ है, एक्सट्रीमिटी पे है. वो महावीर बोल रहे हैं कि पहले मठ मुक्ति चाहिए, कैवल्य चाहिए, पहले मठ में आओ, मठ में आओ, मठ में आ गए. अब महावीर बोले शरीर से डिटैच हो, जो ये जो शरीर, ये बढ़िया बढ़िया बाल वाल बना रहे हो ना, ये सब इसको उखाड़ो, बाल उखाड़ो. चलिए उखाड़ दिया. बोले ब्लेड लाओ, चीरो, काटो अपने आप को, डिटैच करो अपने आप को बॉडी से, बॉडी से लगाव नहीं चाहिए. तो चलिए वो भी कर लिया. अब क्या करें, अब क्या करें, अब मिलेगा कैवल्य महावीर? बोले नहीं. तो अब क्या करें, जान दे दें? तो क्या करूं, जान दे दूं? साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता काम ही जान दे दूं? तो महावीर बोले हां जान दे दो. स्टार्वेशन कैसे? स्टार्वेशन टू डेथ, सल्लेखना और संथारा, 2 सेक्टर ना, दिगंबर और श्वेतांबर, तो दोनों अलग अलग शब्द बोलते हैं. तो ये अनऑर्थोडॉक्स और इधर ये सब अनऑर्थोडॉक्स. और उपनिषद वाला रास्ता क्या हो जाएगा? वेदों वाला ऑर्थोडॉक्स, वो पुराना रास्ता है. तो एक रास्ता पुराना चला आ रहा है, वो ऑर्थोडॉक्स रास्ता है,
और जो नया रास्ता बताया जाएगा वो क्या कहलाएगा? अनऑर्थोडॉक्स रास्ता। और अनऑर्थोडॉक्स में कुल कितने फिलोसोफर्स आ रहे हैं? 63 या 64। लेकिन ज्यादातर सही रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं, और जो सही रास्ता दिखा गए वो दुनिया में छा गए, खास तौर पे गौतम बुद्ध और उनका बताया हुआ रास्ता जो मिडिल पाथ है, ना ज्यादा ना कम, और उसमें 8 stages हैं, अष्टांगिका मार्ग है, वो छा गया पूरे एशिया में, छा गया पूरे एशिया में, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, तिब्बत, जापान, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, श्रीलंका, भारत में तो घर था ही था। छा गए बुद्धा, क्योंकि उन्होंने सही राह दिखा दिया, क्योंकि लोगों में दुख भरा हुआ था और उन्होंने बता दिया दुख कैसे खत्म होगा या कम होगा, और छा गए बुद्धा। यही है, तो जो जमाने को सही रास्ता दिखा देगा वो पॉपुलर हो जाएगा। जैसे हमारे समय में एक फिलोसोफर जिनको मैं बहुत सम्मान करता हूं, कुछ मुद्दों पे मैं उनसे डिसएग्री करता हूं, जब वो चाय चम्मच चूरन चीनी बेचने लगे, और वो भी क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, और उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे बैन भी लगाया गया है, अब आप समझ रहे होंगे। और बाबा का योगा सिस्टम कंटेम्पररी इंडिया में इतना पॉपुलर हुआ, उन्होंने योगा सिस्टम को इतना पॉपुलर किया, इतना पॉपुलर किया कि पूछिए मत, पार्क पार्क में लोग ऐसे कर रहे होते हैं, पार्क पार्क में, क्लासरूम तक में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। इतना इंपैक्ट छोड़ा बाबा ने, इतना इंपैक्ट छोड़ा। तो इस मामले को लेकर के कि बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बहुत शानदार। योग किसका? योग प्लस किसका? प्लस बॉडी, ब्रेन नहीं, मन, मन और शरीर का योग, और ये सही जिंदगी जिए आप। और इसके लिए स्वस्थ मन के लिए, हेल्दी माइंड के लिए बॉडी हेल्दी होना जरूरी है, इसी चीज का योग सिखाया बाबा ने, और वो इंडिया में देखिए छा गए। लेकिन वो थोड़ा पॉलिटिकल रुझान और थोड़ा एक बहुत बड़ी कंपनी, कुछ गड़बड़ियां, उनसे उनका प्रेस्टीज थोड़ा डाइल्यूट हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने धर के रगड़ दिया और पब्लिक एपॉलजी पेपर में छापना पड़ गया। बस यही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वरना मैं आज भी उन बाबा का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने योग सिस्टम को एंशिएंट इंडिया के जन जन में, घर घर में पहुंचा दिया। दिस वॉज मोर लाइक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ योगा। तो वो बहुत जबरदस्त है। आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं बाबा से, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं, वो शानदार था। बस प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम्स आई, इतना ही था, और कुछ खास नहीं हुआ। तो अगर वो चाय चम्मच चीनी चूरन ना बेचते ना, तो उनका सम्मान इंडियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा रहता। वैसे अभी भी है, अभी भी भरपूर सम्मान है उनका, और इम्पैक्ट बहुत छोड़ा उन्होंने। तो सही रास्ता दिखाया। कुछ आए झांसा टाइप के देने वाले लोग, मैंने किसी को नहीं बोला, झांसा दे दिया। ऐसे बाबाओं से दूर रहिएगा, पता चला निपट गए, बाबा बेकू बना के, बाबा बेकू बना देगा आपको। तो तमाम तरीके के फिलोसोफर्स, टीचर्स आते हैं मार्केट में, जब समाज में हलचल होती है, जब लोग मटेरियल थिंग्स के पीछे भागना शुरू करते हैं। सुबह 6 बजे बंदा निकल रहा है कमाने, रात के 10 बजे आ रहा है, 12 बजे 11 बजे आ रहा है, फिर कमाने निकल जा रहा है, फिर इतना थक जा रहा है कि फ्राइडे की नाइट को दारू पी के उलट जा रहा है। ये कौन सी जिंदगी है, ये कौन सी जिंदगी है? 18-18 घंटे, 17-17 घंटे काम कर रहे हैं, और फ्राइडे नाइट को दारू पी करके बोले और क्लब में जाके डांस कर ले, बहुत मजा आ गया। ये कौन सी जिंदगी है? ये कोई लाइफ नहीं है, ये डिस्टॉर्टेड लाइफ है। जिसको आदमी लाइफ समझ रहा है वो सिर्फ अल्कोहल का सहारा लेकर के अपने गम को थोड़ी देर के लिए भुला दे रहा है, और इससे ज्यादा कोई अचीवमेंट नहीं है लाइफ में। तो गड़बड़ जा रहा है समाज, हमारा सोसाइटी रॉन्ग डायरेक्शन में है, ठीक है ना, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि लोगों में ना अजीब सा एक पागलपन जैसा दिखाई दे रहा है, अजीब सा दिखाई दे रहा है, गड़बड़। और इसका मतलब है
आर्ट ऑफ लिविंग हमें बताना पड़ेगा, हमें मतलब मैं नहीं, फिलोसोफर्स लोग बताएंगे, आर्ट ऑफ लिविंग एक है ना, आर्ट ऑफ लिविंग जो बताते हैं कैसे जिंदगी जिया जाए, श्री श्री करके हैं। तो जिसके भी आपको, जिसको भी सम्मान दिखाना है ना, उसके नाम के पहले क्या लगाते हैं, श्री। ज्यादा सम्मान लिखते लगाना है तो श्री श्री कर दीजिए, और सम्मान लगाना है तो श्री 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 कर दीजिए, बहुते सम्मान दिखाना है तो श्री श्री 108 कर दीजिए। 108 बार हम लिख रहे हैं आपके नाम के आगे, श्री 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 100, 101, 102, 108, या उससे भी ज्यादा परम सम्मान दिखाना है तो 1008 कर दीजिए, है ना, या अनंत श्री, अनंत श्री कर दीजिए सीधे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ श्री। तो ये जो श्री श्री 108 होता है ना, श्री श्री या श्री श्री 108, 1008, ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट होता है कि आप इतने महान दार्शनिक हैं कि हम आपके नाम के आगे 108 बार श्री लगाएंगे, ये रीजन है उसको बोलने का, ऐसा होता है। तो यही है, अभी समझ में आ गया, आस्तिका स्कूल ऑफ फिलोसफी और नास्तिका स्कूल ऑफ फिलोसफी। आस्तिका स्कूल ऑफ फिलोसफी में, अभी हम नास्तिका पे फोकस नहीं कर रहे ना, अभी हम आस्तिका को कंटिन्यू किए हुए हैं। आप लिखिएगा षड दर्शन, फिलोसोफर हैं 9th century में, मतलब 1200 साल पहले, 8th century खत्म हो रहा है और 9th century चल रहा है, बॉर्डर पे हैं ये, 8th और 9th century के बॉर्डर पे हैं। शंकर किस परंपरा के आचार्य, और अगर आचार्य नाम में लगा है तो फिलोसोफर है, और अगर दास लगा हुआ है तो वो भक्ति मार्गी है, जैसे तुलसीदास, सूरदास, नंददास, देवदास नहीं, वो तो बेवड़ा था, जमींदार, ठीक है ना। अद्वैता वेदांता ऑफ शंकराचार्य, तो शंकर ने जो फिलोसफी दिया वो कौन सा फिलोसफी है, उपनिषद वाली फिलोसफी, वेदांता फिलोसफी है। शंकर ने एक्चुअली सेम फिलोसफी को पॉपुलर बनाया जो कभी 2600 साल पहले आई थी, उपनिषदों वाली फिलोसफी। तो ये वेदांता फिलोसफी था, और अद्वैत का मतलब होता है देयर इज नो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ब्रह्मात्मा एंड जीव आत्मा, और ब्रह्म आत्मा जीव आत्मा इज द सेम एज ब्रह्मात्मा, जीव आत्मा इज द सेम एज ब्रह्मात्मा, देयर इज नो फंडा। अ मींस नॉट, द्वैता मींस टू, नॉट टू, ये फिलोसफी है नॉट टू या नॉन डुअलिटी, नॉन डुअलिज्म या नॉन डुअलिटी ऑफ व्हाट, ब्रह्मात्मा एंड जीव आत्मा, ये नॉन डुअलिटी का है, ये है शंकर, और ये है शंकर की फिलॉसफी, ब्रह्मात्मा इज द अल्टीमेट रियलिटी एंड जीव आत्मा इज नथिंग, देयर इज नो फंडामेंटल डिफरेंस। देखिए इस पूरे गोले में, ये गोला ब्रह्मात्मा है, इसमें जीव आत्मा कहीं दिख रहा है नहीं, क्योंकि दिखेगा ही नहीं, फंडामेंटल डिफरेंस ही नहीं है। यहां पर ब्रह्मात्मा के अंदर जीवात्मा दिख रहा है, मतलब इंटरप्रिटेशन हल्का सा चेंज हुआ है शंकर से, और यहां पे जीवात्मा अलग है, जीवात्मा जीवात्मा है, ब्रह्मात्मा ब्रह्मात्मा है, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। तो शंकर की फिलॉसफी के ठीक उलट ये वाली फिलॉसफी है, द्वैत, अद्वैत से द्वैत, बीच में है स्पेसिफिक, विशिष्ट, विशिष्ट अद्वैत। तो शंकर ने बोला कि फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है। फिर एक फिलोसोफर आए रामानुज, रामानुज ने शंकर की फिलॉसफी पे ही फोकस किया, लेकिन रामानुज ने बोला मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तो क्या बात, क्या बात रामानुज को स्पेसिफिक बना रही है, He was not at all interested in getting moksha.
वो मोक्ष में फोकस नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं रीबर्थ चाहता हूं और मैं हर बार रीबर्थ भगवान विष्णु का वर्शिप करने के लिए चाहता हूं। तो इनका रुझान भक्ति मार्ग पे हल्का सा, और ये मोक्ष पे फोकस नहीं कर रहे हैं। किस बात पे फोकस कर रहे हैं? रीबर्थ पे फोकस कर रहे हैं, बार बार ये रीबर्थ पे फोकस कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? पीछे एकदम पीछे आपको कह रहा हूं, हाँ पूरी बात समझ आ रही, ठीक है। रीबर्थ पे फोकस कर रहे हैं कि मुझे मोक्ष ही नहीं चाहिए। शंकर का पूरा फोकस किस पे है? मोक्ष पे है। रामानुज कह रहे हैं मोक्ष नहीं, भक्ति, रीबर्थ 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 रीबर्थ। और मध्वा ने बोला, मध्वाचार्य डुअलिटी, कहां गए मध्वाचार्य ने लिखा? मध्वाचार्य ये कह रहे हैं ब्रह्म अलग है और जीवात्मा अलग है। मतलब ये कह रहे हैं यहां पर कि फंडामेंटल डिफरेंस है। फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ब्रह्म एंड जीवात्मा, फंडामेंटल डिफरेंस। यहां पर नो फंडामेंटल डिफरेंस, यहां पर शंकर ही हैं लेकिन झुकाव रीबर्थ पे है, ठीक है ना? ये स्पेसिफिक, ये है स्पेसिफिक नॉन डुअलिटी। नॉन डुअलिटी ही है, स्पेसिफिक बात ये है कि मोक्ष नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। यही मेन तीन है। तो जो अद्वैत, जो वेदांता फिलॉसफी है ना, वेदांता फिलॉसफी उपनिषद वाली, उसका तीन मेन ब्रांच है, अद्वैता वेदांता, विशिष्ट अद्वैता वेदांता और द्वैता वेदांता। ये है, समझ में आया? देखिए एक थीम बन रहा है ना, वेद से लगातार हम एक थीम पे काम कर रहे हैं। जब तक आप थीम नहीं पढ़ेंगे ना, मेंस आपका नहीं होगा, मेंस पे पकड़ ही नहीं बनेगी। इसीलिए मैं डायनेस्टिक हिस्ट्री नहीं लेता हूं कभी भी पढ़ाते समय, क्योंकि वो पूरे हिस्ट्री को क्या कर देता है? बिखरा के खत्म कर देता है। वो मजा ही नहीं आता, वो पकड़ ही नहीं बनती है। हालांकि वो आसान होता है, लेकिन वो सिर्फ आपको प्रीलिम्स में काम आएगा। मेंस में इतना इनडेप्थ एनालिसिस मैं कर ही नहीं पाऊंगा उस पैटर्न पे, क्योंकि वो टॉपिक किधर बिखर जाएगा ना, डायनेस्टी वाइज हो जाएगा। यहां तक लिखा था, इसको लिखिएगा, सब स्कूल्स ऑफ वेदांता। पॉलीथिज्म में, मतलब ढेर सारे देवी देवताओं की वजह से हिंदू बढ़ रहे थे, तो और ये तो देवी देवता पे जा ही नहीं रहे फिलॉसफी, ये क्या बोल रहा है? ब्रह्म। तो ब्रह्म यानी कि मोनो, ब्रह्म मतलब मोनोथिज्म। तो मोनोथिज्म से एक बेनिफिट ये होता है ना कि यूनिटी, सेंस ऑफ यूनिटी बहुत शानदार होती है। इसीलिए जब चैलेंज मिला ना, तो इसको सेंस ऑफ यूनिटी को प्रमोट करने के लिए और पॉलीथिज्म को डिस्करेज करके मोनोथिज्म को बढ़ाने के लिए और सामाजिक बुराइयां, सोशल इविल्स को दूर करने के लिए एक नया दौर शुरू हुआ वेदांता फिलॉसफी का, मोनोथिस्टिक फिलॉसफी का। और वो शुरुआत किया 1828 में राजा राममोहन रॉय ने। क्या नाम है उनके समाज का? ब्रह्म समाज। अब समझ में आया क्यों समाज का नाम ब्रह्म रखा हुआ है? यह होता है कनेक्टिविटी बनाना, ठीक है ना? कहां से देखिए, कहां से आके कहां पहुंच गए, यही है थीमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री। एक थीम उठा करके कहां से 3500 साल से रिसेंट तक आ गए हम।
तो हिस्ट्री को जैसे आमतौर पे लोग परंपरागत कन्वेंशनल तरीके से अप्रोच करते हैं ना, मैं उससे बिल्कुल अप्रोच नहीं करता हूं। मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है और आप मेंस के लिए एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। प्री की तो औकात ही नहीं है, आपसे बाहर जाएगा, बहुत दूर की बात है। तो ब्रह्म समाज को एस्टैब्लिश किया राजा राम मोहन राय ने 1828 में, देखिए, टू प्यूरिफाई द हिंदुइज्म, मतलब पॉलीथीज्म को हटा करके मोनोथीज्म प्रमोट करना है, एंड टू प्रमोट मोनोथीज्म इंस्टेड ऑफ पॉलीथीज्म द समाज ट्राइड टू इरेडिकेट सोशल इविल सच एज सती, चाइल्ड मैरिजेस, पॉलीगैमी, फीमेल इन्फेंटिसाइड, एंड वॉज इन फेवर ऑफ विडोरी मैरिजेस। बुराइयां हटाओ, और जब बुराइयां हटेंगी तो लोग आपस में जुड़ेंगे, यूनाइट होंगे, और जब यूनाइट होंगे तो पॉलिटिकली भी तो यूनाइट होंगे ना। पॉलिटिकल यूनिटी के लिए जरूरी क्या है? सोशल यूनिटी, तभी तो नेशनल मूवमेंट शुरू होगा। अगर यूनाइट ही नहीं होंगे तो नेशनल मूवमेंट शुरू कहां से होगा? पहले इंडिया को एक कंट्री बनाना था, तब कंट्री के लिए आजादी की लड़ाई शुरू होगी। और दूसरा यह भी प्रॉब्लम था कि ब्रिटिश लोग हमें लगातार नीचा दिखा रहे थे, लगातार हमें नीचा दिखा रहे थे, अनसिविलाइज्ड बारबेरियंस बोल करके। तो हमें अब और दुनिया को अंग्रेज बताते थे कि देखो ये सब बारबेरियंस हैं, इंडियंस बारबेरियंस हैं, ये अपने यहां विडोज को जला देते हैं, और हम जला ही रहे थे। तो हम अंग्रेजों को मौका दे रहे थे ना दुनिया को ये दिखाने का कि हम लोग अनसिविलाइज्ड बारबेरियंस थे। अगर हम ये खत्म कर देंगे तो अंग्रेज दुनिया को नहीं दिखा पाएंगे कि हम अनसिविलाइज्ड बारबेरियंस थे। तो ये भी एक पर्पस था, चैलेंज मिल रहा था ना ब्रिटिशर्स से, लगातार हमें चैलेंज मिल रहा था। और हमारी बुराइयां तो थी, हमारे अंदर कमियां थी, और हमें उन कमियों को दूर करना था। फिर एक क्या हुआ ना, बढ़िया चल रहा था सब कुछ ब्रह्म समाज, फिर ये लोग चाइल्ड मैरिजेस का अपोज कर रहे हैं। तो ब्रह्म समाज के एक बड़े प्रोमिनेंट मेंबर थे, उनका नाम था केशव चंद सेन। उन्होंने अपनी छोटी बच्ची का ब्याह कूच बिहार के महाराजा से करा दिया, मतलब अपने ही चीज को चैलेंज कर दिया, वायलेट कर दिया। और इससे चिढ़ करके, इससे गुस्सा हो करके देवेंद्र नाथ टैगोर ने अलग कर लिया, आदि ब्रह्म समाज कर लिया, और केशव चंद वाला रह गया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। फिर एक और ब्रह्म समाज बना 1878 में, आनंद मोहन बोस, उमेश दत्त और शिवनाथ शास्त्री ने कलकत्ता में बनाया साधारण ब्रह्म समाज। ये डेवलपमेंट है, इसको लिखेंगे या पीडीएफ से नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, ये तो ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है, बस हमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं मॉडर्न इंडिया में, आजादी के पहले, आजादी के बाद, वेदांता फिलॉसफी पे। अद्वैता वेदांता फिलॉसफी को पॉपुलराइज किया स्वामी विवेकानंद ने, महर्षि अरविंद ने, और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वैष्णवाइट वेदांता थे, महात्मा गांधी फिलोसोफर भी थे, ठीक है ना। और महात्मा गांधी की फिलॉसफी को बोलते हैं वैष्णवाइट वेदांता। इनका झुकाव थोड़ा सा भक्ति वाला था, और भगवान विष्णु के लिए झुकाव रखते थे, यानी कि भगवान श्री राम के लिए झुकाव रखते थे। श्री राम भगवान विष्णु के ही अवतार माने गए हैं। तो महात्मा गांधी हैं तो वेदांता फिलोसोफर, लेकिन वैष्णविज्म की तरफ झुकाव रखते थे। और उसके बाद महान फिलोसोफर, ग्रेट फिलोसोफर ऑफ आवर कंट्री, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और स्वामी दयानंद सरस्वती का स्लोगन क्या था? गो बैक टू द वेदास, ठीक है। और इन्होंने वेदांता फिलोसफी को एम्फसाइज किया और इसमें नेशनलिज्म को जोड़ा। यह है फिलोसफी प्लस नेशनलिज्म, फिलॉसफी प्लस नेशनलिज्म है, ठीक है ना। और इंडिपेंडेंट इंडिया में जे कृष्णामूर्ति, जद्दू कृष्णामूर्ति, जे कृष्णामूर्ति, ये एनी बेसेंट है, हमने पढ़ा एनी बेसेंट, एनी बेसेंट के एडॉप्टेड बच्चे थे ये, गोद लिया हुआ था एनी बेसेंट ने इनको, जे कृष्णामूर्ति को, बहुत बड़े फिलोसोफर हुए। और रिसेंटली जिनको आप जानते हैं ओशो नाम से, आचार्य रजनीश आ गए ना एकदम रिसेंट। ये थीम था, ये कौन सा स्कूल था, ये
तिका स्कूल को कंटिन्यू किया था, ये एक ब्रांच हमने खत्म कर दिया। अब फिर हम वापस जाएंगे किस ब्रांच पे, नास्तिका पे जाएंगे, फिर मेन फोकस हमारा बुद्धिज्म और जैनिज्म पे हो जाएगा, तब ये लिटरेचर और रिलीजन वाला पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। बुद्धिज्म जैनिज्म, हालांकि इसके पहले मैं आपको एक चीज और पढ़ाऊंगा, पौराणिक हिंदुइज्म। दो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म एक ही है, दो स्टेज है, सनातन हिंदुइज्म जो हम पढ़ रहे थे वैदिक हिंदुइज्म, और दूसरा है पौराणिक हिंदुइज्म। तो वैदिक हिंदुइज्म का सिंप्लीफाइड वर्जन पौराणिक हिंदुइज्म है, वो कल हम डिस्कस कर लेंगे, पौराणिक हिंदुइज्म खत्म कर देंगे और उसके बाद आ जाएंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म पे। ठीक है, इतना रहने देते हैं, चलिए कल यहां से आगे। थैंक यू सो मच।